वैसे कोई इरादा नहीं जाग रहा जी जी उनके वही इरादे हैं। हमने मैंने सोचा था कि मैं PhD करूं, तो वो PhD करेंगे, अब देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे हो तुम लोग? तुम लोग देख रहे हो व्लॉगर ज़ाहिरी को। सुबह सुबह उठ के हमने जाना था क्रिकेट खेलने, पकड़ ली सबसे पहले हमने अपनी बोतल जो कि मैंने इस टाइम पे अपने हाथ में पकड़ी हुई है, और अभी हमारा मेन मिशन है क्रिकेट खेलने जाना। अभी सुबह के ना तकरीबन ऑलमोस्ट 6:20 होने वाले हैं। मैं 6 घर से निकल आया था क्योंकि मैंने 5 का प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया था। पता नहीं आँख लग गई क्या हो गया, ठीक हो गया, नमाज भी नहीं पढ़ने रही। और तीसरी बात यह कि बोतल उठाई है घर से निकलाऊँ, इधर पीर साहब को मैं तकरीबन पिछले आधे घंटे से बुला रहा हूँ, लेकिन यार अजीब है, यानी कि बंदा आवाज़ ही मार दे। वो तो शुक्र है शवेश के अबू आए हैं, तो उन्होंने बता दिया कि वो चले गए खेलने। बाकी इस टाइम पे बड़ा प्यारा मौसम हुआ है इस टाइम पे, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। लेकिन मसला पता क्या है, थोड़ा सा ही ना बारिश होने से ना सारी हर तरफ ना कीचड़ हो जाता है, जो कि ना यानी कि ना हमारे ग्राउंड में तो मसला नहीं होता क्योंकि वहाँ पे ना ज़मीन काफ़ी ज़्यादा रेतली है। बाकी तुम लोग देख रहे हो मैंने खर्चे कर लिए हैं, मैंने नए शूज़ ले लिए हैं, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर। इससे तुम्हें कौन सी आवाज़ रिलेट कर रही है मुझे बताना जरा। बाकी बड़ा प्यारा मौसम हुआ इस टाइम पे यार, सुबह सुबह के टाइम, वो भी संडे के टाइम जो क्रिकेट खेलने की अपनी चस आती है ना, वो तो खुशी और ये क्या ही अलग बात होती है। क्या हाल है यार, हम रेल की पटरी पे चढ़ रहे थे, किकर मेरे इधर हेट था और बारिश इस टाइम पे फुल मौसम में आई हुई है। बाकी यार ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है, ये नहीं ये देखे तुम लोग, ये जो बैक रिफ्लेक्ट कर रही है ना यार, क्या ही बहुत प्यारी लगती है। पटे हटे लोगों ने दोबारा से बीज दिए, यानी कि फसल दोबारा से, और सर्दियों की भी आमद आमद है। दूसरी बात ये कि 12 रबी अव्वल भी इस मंथ हमारे पास आने वाली है, क्योंकि रबी अव्वल का महीना भी आने वाला है। क्या हाल है, मैं हाल एक दिन रह गए या फिर स्टार्ट हो गया ये मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता। कैमरा थोड़ा सा पीछे से ब्लर हुआ था क्योंकि गंदा हुआ है। यहाँ पर अब मौजूद लोगों की आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि हो सकता है वो आए हैं और मेरे साथ लग गई हो चवली। क्या हाल है, क्योंकि दूर से ग्राउंड में आवाज़ आ जाती है। बाकी यार ये चीज़ देखो, आए पट्ठों के बीच में से जो आवाज़ लाइट आ रही है ना यार, बहुत प्यारी लग रही है इस टाइम पे। चलते हैं ग्राउंड की तरफ, आस्ता आस्ता कदम जमा के करनी है आज बॉलिंग। अच्छा। ओ यार वीडियो के देख सकते हैं क्या चल, अलीशान भाई भी आए हुए हैं। बैट नहीं उड़ा हूं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है। अभी हमने बॉल पे टेप करनी है, मैं करूंगा। मोहित भाई बात सुने, हमने आपके साथ चैलेंज लगाया हुआ था, आप जीत गए यार। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए हम। और भाई क्या हाल है, MC ने कहा कि हम मैच लगाएंगे, लेकिन यार MC ने कहा था चैलेंज बताएंगे, लेकिन अब देखते हैं MC भाई क्या करते हैं, हो सकता है शाम तक बता भी दें। उनका वैसे कोई इरादा नहीं जाग रहा। जी जी उनके वही इरादे हैं, हमने मैंने सोचा था कि मैं PhD करूँ, तो वो PhD करेंगे, अब देखते हैं उसके बाद फ्री होकर मैच लगाएंगे। यही बात है जी। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या कर रहे हैं जी आप? आपको बहुत ज्यादा पीती लगा रही है वहां, क्या हाल है? शाम को आपने 8 बॉल लेके आने, HARD हार्ड बॉल। ये आप क्या कर रहे हैं दिखाओ, पानी पी रहे हैं आप? मैंने आपसे कहा है कि HARD हार्ड बॉल आपके शाम को लेके आने। अबे जैसा कि अलजैन भाई बात सुने यार, आज बहुत मजा आया कसम से यार, पूरी इबादत की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बिल्कुल पट्टे बहुत बड़े हो चुके हैं, हमारे से भी बड़े हो चुके हैं। क्या हाल है? नहीं कसम से बहुत, ये देखें ना ये जा रहे हैं। मोहित भाई बात सुने, आज मजा आया फिर? बहुत बेहतरीन। लास्ट मैसेज आप MC के नाम पे दे दें। MC कौन है? MC भाई आज आ जाएंगे इंशाल्लाह। MC कौन है, कौन है? बाकी देखते हैं तो कल कॉलेज में इंशाल्लाह मिलते हैं। MC कौन है? ऐसे MC भाई मुझे लगता है हमसे डर गए हैं थोड़ा थोड़ा। जी जी बिल्कुल। MC है कौन है? हमारी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी और डिमांड्स काफी ज्यादा होगी। नहीं आगे भाई MC है कौन है? जी जी इंटरव्यू चल रहा है, आप क्या इसकी। ये थे हमारे इस टाइम पे टीम के हालात। अलीशान साहब ने मुंह में कुछ डाला हुआ है जो वो वीडियो तो आने कसम बड़ी सोनी ग्रेट है, बड़ी फिट वीडियो बनाती है कसम, बहुत अच्छी वीडियो बनाती है, पूरी बात है। अच्छा? ए चवल बंदा, ए चवल बंदा, जिंदगी नहीं मैं तक शवेद। हां पीर साहब, ए पीर साहब तो हाई लेवल दे ना पीर नाल कोई रलदा थोड़ी है। क्या हाल है, तो मिलते हैं तुम लोग एक और बेहतरीन से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।